इतनी ज्यादा गर्मी है, ओ माय गॉड यार, इतनी तेज धूप निकल चुकी है, इसी वजह से ना गाइस मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। और टिप्सन और सुपर हीरो गाइस अभी तक भी पड़े हुए सो रहे हैं, और ये म्यूटेंट और विलन गाइस इन पे तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज यार रात जो है ना मैं इनके पास ही बेड पर सोया था और इन्होंने जो है ना रात मेरे को नीचे गिरा दिया, और खुद अब देखो कितने आराम से पड़े हुए खर्राटे मार रहे हैं। खैर छोड़ो यार गाइस, इनको जो ना अभी सोने देता हूँ, और जब तक ये यहाँ पर पड़े हुए सो रहे हैं ना तब तक मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ। एक, अरे गाइस यार ये तो काफी ज्यादा हैवी है, मैं तो इसको हल्के में ले रहा था। दो, नहीं गाइस यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो इसको नीचे रख देता हूँ फटाफट से। या और गाइस यार मैं तो योगा ही कर लेता हूँ, बस गाइस यार मेरे हिसाब से ना योगा ही ठीक है, बिकॉज गाइस यार इतना ज्यादा वेट उठाना मेरे बस की बात नहीं है, जो भी होना होगा गाइस यार योगा से ही हो जाएगा। और हाँ योगा के बाद यार मेरे को नहाना भी तो है, तो फटाफट से मैं नहा लेता हूँ, एंड 3 2 1 एंड लेट्स गो। ओह माय गॉड यार सच में पानी काफी ज्यादा ठंडा है, आज जितनी ज्यादा धूप तेज हो रही है ना उतना ही ज्यादा पानी ठंडा हो रहा है। गाइस यार आज से पहले कभी इतना ज्यादा ठंडा पानी नहीं था जितना कि आज हो रहा है। अच्छा। फटाफट से बाहर निकलता हूँ और पहले तो इन्हें देखता हूँ, ओ माय गॉड यार अभी भी पड़े हुए सो रहे हैं, पहले तो इनको फटाफट से उठाता हूँ। अरे विलन और म्यूटेंट फटाफट से उठो यार, देख नहीं रहे हो कितनी तेज धूप हो रही है, ऐसे नहीं उठेंगे तेरी ऐसी की तैसी। ओ माय गॉड यार अब भी नहीं उठ रहे, पता नहीं यार ये कैसी नींद सोते हैं। रो फिरो हम पीछे हैं यार, क्या बड़बड़ करता रहता है, रो फिरो यार कभी तो टाइम से सोने दिया कर, अभी तो देख रहा है सुबह के 7 बजे हैं और तू अभी से ही बड़बड़ करने लगा, बता क्या कह रहा है। अरे टिप्सन मैं ये बोल रहा हूँ कि सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया, और अभी देख रहा है घर में भी झाड़ू नहीं लगी, अभी हमारा सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तुम यार इतनी लेट सो के उठ रहे हो। अबे रो फिरो चल, मैंने मना कि हम लेट सो के उठ रहे हैं लेकिन तू तो जल्दी उठ गया, जब से तो तू पूरे घर की झाड़ू भी लगा देता है। अरे सुपर हीरो रो फिरो झाड़ू क्यों लगाएगा, रो फिरो तो नेता है ना इस घर का, अगर वो झाड़ू लगाएगा तो उसकी शान कम हो जाएगी ना। एक तो मैं तुम्हारे काम की बात बता रहा हूँ और ऊपर से तुम लोग मेरे को ही समझाने लग जाते हो। चलो छोड़ो यार आज के बाद मैं तुमसे किसी काम को ही नहीं कहूंगा, बस अब एक काम करो यार टिप्सन फटाफट से ऊपर जा और नाश्ता बना यार, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है। रो फिरो यार नाश्ता तो मैं बना दूंगा लेकिन पहले एक बात बता यार, सारा काम मेरे ही ऊपर है क्या, सुबह को रोज नाश्ता भी मैं ही बनाता हूँ और फिर नाश्ता बनाने के बाद पूरे घर की झाड़ू भी मैं ही लगाता हूँ और उसके बाद फिर चौप को भी खाना मैं ही डालता हूँ, एक बात बता यार रो फिरो सारे काम मेरे ही ऊपर है क्या, इन तीनों को भी तो कोई काम बताया कर यार। अरे हाँ टिप्सन वैसे बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, एक काम कर टिप्सन कल से ना तू सिर्फ नाश्ता बनाना, और सुपर हीरो कल से पूरे घर की झाड़ू तू लगाएगा, और कल से चौप को खाना म्यूटेंट डाला करेगा ठीक है, और विलन, विलन रह गया, विलन को क्या काम बताऊं, विलन अगर कोई सामान बाहर से आने वाला होगा ना तो कल से वो सामान बाहर से तू लाएगा ठीक है। अरे ठीक है यार रो फिरो ठीक है, जैसा तूने बोल दिया हम वैसा ही करेंगे यार। ओके तो ये तो डन हो चुका है, और टिप्सन अब तो खुश है यार, अब फटाफट से जाओ और यार जल्दी से नाश्ता बना यार टिप्सन। अरे हाँ हाँ यार रो फिरो मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, मैं तो कब से सोच रहा था कि ये सब होना चाहिए, आज तूने बहुत अच्छा काम किया रो फिरो, रुक जा मैं अभी नाश्ता लगा के आ रहा हूँ ठीक है। अरे यार आज तो मजा आ गया, आज सबको काम मिल गया, वरना तो रोज जो है ना मैं पूरा पूरा दिन काम करता था और सुपर हीरो और म्यूटेंट और विलन बस आपस में बैठे हुए ना लड़ते रहते थे या फिर बाहर पार्टी करने के लिए चले जाते थे, आज मैंने सही किया रो फिरो से बोल दिया, अगर मैं आज भी रो फिरो से नहीं बोलता ना तो ना जाने मेरे को कब तक ये सब काम मेरे को ही करने पड़ते और ये तीनों तो बस झगड़ते बैठते हुए। एक मिनट यार फटाफट से जो ना अब नाश्ता बनाता हूँ, पहले तो यार चाय बनाता हूँ, और यार रो फिरो ने वैसे भी आज मेरा दिल खुश कर दिया है, चाय तो लगभग बनी चुकी है। अरे लेकिन एक मिनट यार मैंने इसमें चीनी तो डाली नहीं है, और यार चीनी बिल्कुल खत्म है, घर में चीनी बिल्कुल नहीं है, और यार इधर देखूं, अरे यार इधर आटा भी खत्म है बिल्कुल, और पिज्जा भी घर में नहीं है। अरे यार अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूं फटाफट से रो फिरो के पास जाता हूं और रो फिरो को बोलता हूं कि यार घर में ना ही तो आटा है और ना ही चीनी है और ना ही यार पिज्जा है यार घर में। एक मिनट यार रो फिरो से बोलना पड़ेगा, अरे यार रो फिरो नाश्ता कैसे लगाऊं यार, ना ही तो घर में पिज्जा है और ना ही आटा है यार घर में और चीनी भी बिल्कुल खत्म पड़ी है यार रो फिरो। क्या घर में चीनी भी नहीं है और आटा भी नहीं है और पिज्जा भी खत्म है? एक मिनट रुक टिप्सन, अभी जो ना मैं सब सामान लेके आता हूँ। अरे यार मैंने अभी 3 दिन पहले ही तो सब सामान ला के रखा था, पता नहीं यार अपने घर में ये इतनी जल्दी सारा सामान कैसे खत्म हो जाता है। चीनी तो यार मेरे को जरूर लानी पड़ेगी, अगर मैं चीनी नहीं लाया तो फिर चाय कैसे बनेगी, और चाय का तो यार मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। खैर छोड़ो यार फटाफट से चलता हूँ, और हाँ मेरे को आटा भी तो लाना है, अरे यार अगर आटा नहीं लाऊंगा तो फिर रोटियां कैसे बनेगी। और यार टिप्सन एक चीज और खत्म बता रहा था कि वो चीज खत्म हो गई है, क्या चीज थी यार? हाँ पिज्जा था गाइस, यार पिज्जा भी बिल्कुल घर में खत्म हो चुका है। एक मिनट यार मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा,
और मेरे को पिज्जा भी लाना पड़ेगा और चीनी भी लानी पड़ेगी और मेरे को जो ना यार आटा भी लाना पड़ेगा। अगर आटा नहीं लाऊंगा तो फिर रोटियां कैसे बनेगी। और यार नाश्ते में मेरे को रोटियां तो जरूर चाहिए। एक बार को अगर पिज्जा नहीं होगा तो चलेगा, बट रोटी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। यार मैं फटाफट से दुकान पे चलता हूँ। बट वेट, ओ माय गॉड यार ये क्या हो गया। ओ शिट यार। अरे यार रोपिरो कितना अच्छा है, मैं उसको एक ही बार बोलता हूँ कि घर में ये सब सामान खत्म हो चुका है, और रोपिरो यार एक ही बार बोलने पे सब सामान लेने चला जाता है। खैर छोड़ो यार, एक काम करता हूँ, जब तक रोपिरो सामान लेके आता है ना मैं नीचे चलता हूँ और देखता हूँ आखिर ये तीनों क्या कर रहे हैं, लड़ रहे होंगे खड़े हुए। लेकिन एक मिनट, अरे आज तो गजब हो गया, विलन सफाई कर रहा है खड़ा हुआ। वाह भाई विलन, आज तो तू बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तेरे को कैसा लग रहा है आज सफाई करते हुए? अबे ओए टिप्सन, यहाँ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा ना, वरना ये जो कपड़ा मेरे हाथ में ना इसे तेरा ही मुंह साफ कर दूंगा। वैसे भी तू बहुत ज्यादा खा लिया है। वाह विलन वाह, आज काम करना पड़ रहा है तो गुस्सा आ रहा है। अब पता चल रहा होगा तेरे को आखिर काम कैसे किया जाता है। और जब मैं सारा काम करता था और तुम तीनों बैठ के लड़ते थे, तब देखता मेरे मन पे क्या बीतती थी। आज मजा आ रहा है ना तेरे को काम करते हुए? अबे ओए टिप्सन, तेरे से सही बोल रहा हूँ, टाइम रहते निकल जाए यहाँ से, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। ठीक है विलन, जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे ये सुपर हीरो क्या कर रहा है? अरे सुपर हीरो क्या कर रहा है यहाँ पर, पानी तो भरा हुआ है, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है खड़ा हुआ? अबे टिप्सन यार, पानी तो भरा हुआ है लेकिन वो चौप का बच्चा नहीं पाल रखा क्या रोपिरो ने? वो आया था इस छोटे स्विमिंग पूल में और इसमें पॉटी करके चला गया साला। अब मेरे को उस पॉटी को बाहर निकाल के फेंकना पड़ रहा है। अबे सुपर हीरो तू पागल तो नहीं हो गया? अबे इसमें पॉटी करके चला गया तो फिर इस पानी को बदलना, इसमें तो पॉटी बाहर क्यों निकाल के फेंक रहा है? अबे टिप्सन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पूरे पानी को बाल्टियों से निकालूं और फिर बाल्टी भर भर के इस स्विमिंग पूल में इतना ही पानी भरूं। और अगर तुझे पानी बदलने का इतना ही शौक है ना तो ले मैं हट रहा हूं और तू पानी बदल दे इसका, ठीक है? अरे नहीं नहीं सुपर हीरो यार, मैं तो वैसे ही कर रहा था। हाँ वैसे भी इतना पानी कहाँ तक बदलेगा यार, बस वो पॉटी निकाल के फेंक दे इसमें। तू बिल्कुल ठीक कर रहा है यार सुपर हीरो, करता रहे करता रहे, बहुत अच्छा काम कर रहा है यार सुपर हीरो तू तो। खैर छोड़ो यार, मैं ज्यादा नहीं बोलता वरना अगर मैं बोलने लग गया ना तो इनको बुरी लग जाएगी। अरे म्यूटेंट यार, अब तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सारी घास तो यार यहाँ पे सही खड़ी हुई है। अरे टिप्सन यार, ये मोटा विलन नहीं है क्या? इसने साले ने यहाँ पे पान थूक दिया और ये हरी हरी घास पे लाल लाल पान मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बस मैं इसी की सफाई कर रहा हूँ यार। अरे हाँ हाँ यार म्यूटेंट, करता रहे यार, बिल्कुल अच्छा कर रहा है सच में यार, हरी हरी घास पे लाल लाल बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, करता रहे यार। वैसे यार इतना ज्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक रोपिरो नहीं आया। यार छोड़ो यार, जब तक रोपिरो आता है ना तब तक मैं भी एक सिगरेट पी लेता हूँ। वैसे यार सिगरेट पीने का तो मजा ही कुछ और है। अरे माचिस कहाँ गई? हाँ अब ठीक है। अरे वाह यार गाइस, धुआं निकालने का मजा ही कुछ और है, लेकिन धुआं तो निकल ही नहीं रहा। अरे यार ये कैसी सिगरेट है, ये तो बिल्कुल बेकार सिगरेट है। अरे सिगरेट में से तो धुआं निकल रहा है लेकिन मेरे मुंह में से धुआं क्यों नहीं निकल रहा? अरे अब के फिर से धुआं नहीं निकला, आखिर ये हो क्या रहा है? कोई जादुई सिगरेट तो नहीं है कहीं ये? एक मिनट यार फिर से ट्राई करता हूँ सिगरेट। हाँ अब क्यों निकला? अरे वाह अब के तो नाक में से निकल गया, मैं मुंह में से देख रहा था और हर बार नाक में से ही निकल रहा था। चलो छोड़ो यार, वैसे सिगरेट पीने में मजा आ गया, अब इसको फेंक देता हूँ क्योंकि ये वैसे भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मैं फटाफट से जाता हूँ। यार मैं कहाँ था? हाँ यार रोपिरो को वैसे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जाए हुए। यार रूप शॉप पे इतना ज्यादा तो टाइम नहीं लगता, आने जाने में मेरे ख्याल से 15 मिनट लगती होगी, लेकिन यार आधा घंटा रोपिरो को जाए हुए हो गया, अभी तक रोपिरो आखिर वापस क्यों नहीं आया? एक मिनट यार, इतना रोपिरो आता है मैं खबर ही सुन लेता हूँ आखिर क्या न्यूज चल रही है। लॉस सैंटोस की ताजा खबर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना निकल कर सामने आ रही है। लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हो चुकी है जिसमें दो कार और एक बाइक के बीच बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। मौके पर ही 4 आदमियों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में कुछ लोग घायल हो चुके हैं और कुछ आदमियों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और इस एक्सीडेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इस हादसे में एक बाइक चकनाचूर हो चुकी है और डॉक्टर कुछ लोगों को CPR देकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना ज्यादा खतरनाक था और इस हादसे के होने के बाद ही इस रोड का पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया है। अरे यार ये क्या हो गया, ये KTM तो रोपिरो की है, रोपिरो का एक्सीडेंट हो गया। अरे यार फटाफट से भागता हूँ यार, रोपिरो का एक्सीडेंट आखिर कैसे हो गया? अरे सुपर हीरो विलन म्यूटेंट यार फटाफट से मेरे साथ आओ यार। अरे यार तुमने खबर नहीं सुनी क्या? अरे यार रोपिरो का एक्सीडेंट हो चुका है, फटाफट से चलो यार, रोपिरो की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। अरे यार रोपिरो तो सामान लेने के लिए गया हुआ था लेकिन आखिर यार मुझे ये क्या पता था रोपिरो के साथ ऐसा हो जाएगा, अगर यार मुझे पहले पता होता तो मैं रोपिरो को सामान लेने ही नहीं भेजता। अबे यार टिप्सन इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा है, फटाफट से गाड़ी में बैठ यार, वहीं पे चलते हैं जहाँ पे रोपिरो का एक्सीडेंट हुआ है। आखिर यार ये सब हो कैसे गया? रोपिरो तो यार बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानता है,
मुझे लगता है जरूर किसी ने ये चालाकी की है। अरे हाँ यार विलन, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। रो फिरो तो यार बहुत अच्छी गाड़ी चलानी जानता था, आखिर रो फिरो का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है विलन, जरूर हमारा कोई ना कोई दुश्मन इस लॉस सैंटोस में पैदा हो चुका है जिसने ये सब किया है। अरे यार टिप्सन और विलन, यार तुम फालतू की बातों में अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जल्दी से यार वहाँ पे चलो ना जहाँ पे रो फिरो का एक्सीडेंट हुआ है। आखिर इन बातों को करने से कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। टिप्सन यार गाड़ी और ज्यादा स्पीड में चला। अरे नहीं नहीं यार टिप्सन, गाड़ी और ज्यादा स्पीड में मत चलाना यार। कभी यार ये पता चले कि हम रोपिरो को देखने जा रहे थे और सामने हमारा ही एक्सीडेंट हो गया। यार टिप्सन और ज्यादा स्पीड में मत चला यार, धीरे ही चला यार गाड़ी को। अरे यार तुम सब चुप होकर नहीं बैठ सकते क्या? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि गाड़ी कैसे चलानी है। ऊपर से तुम बोले जा रहे हो यार, मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है। देख रहे हो कैसा मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। चुप होकर बैठो यार, अगर सही सलामत रोपिरो के पास तक पहुँचना है तो। वरना मैं सही बता रहा हूँ, हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है अगर तुम बोले जाओगे तो। अरे टिप्सन यार तू इनकी बातों में कहाँ आ रहा है यार, तू अपने हिसाब से गाड़ी चला। बस यार हमें रोफिरो के पास पहुँचना है यार कुछ भी करके। आखिर यार रोफिरो के साथ ये सब कैसे हो गया, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे यार टिप्सन आखिर कैसे हो गया यार ये सब? अरे विलन यार पागल वाली बातें क्यों कर रहा है? अगर मुझे सब कुछ मालूम होता कि आखिर ये सब कैसे हो गया तो फिर मैं यही आता क्या? खैर छोड़ो यार, फटाफट से उतरता हूँ और रोफिरो को देखता हूँ। आखिर यार रोफिरो कहाँ है? रोफिरो, अरे यार रोफिरो कहाँ है तू? अरे पुलिस वाले सर, अरे यार मेरा दोस्त रोफिरो जिसकी केटीएम थी वो कहाँ है? अरे यार रोफिरो तो मुझे यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अरे यार कहीं रोफिरो को कुछ हो तो नहीं गया? अरे यार रोफिरो कहाँ गया? अरे पुलिस वाले सर, जिसकी ये केटीएम है वो आदमी कहाँ है? वो मेरा दोस्त है। अरे यार ये पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे। अरे यार ये पुलिस वाला भी अपनी बातों में लगा हुआ है, पता नहीं यार ये क्या क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि रोफिरो कहाँ है और मैं किससे मालूम करूँ। अरे सॉरी, अरे सर जिसकी केटीएम थी वो आदमी कहाँ है? वो मेरा दोस्त है, मुझे जल्दी से बताओ वो कहाँ पर है। अच्छा जिसकी केटीएम थी और जिसने नीले से कपड़े पहने हुए थे ना, उसी को तो मालूम कर रहे हो ना तुम? अरे हाँ सर उसी को मालूम कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ यार मेरा दोस्त कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं उसकी हालत ठीक नहीं थी, जभी तो हमने उसको लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो ना तो लाइफ हॉस्पिटल में पहुँच जाओ, हमने उसको लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। और हाँ उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उससे जो है ना कोई ऐसी बात मत करना जिससे कि उसके दिमाग पे कोई टेंशन आए। अगर उसके दिमाग पे थोड़ा भी लोड आया ना तो उसको कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे हाँ हाँ पुलिस वाले सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है मैं समझ गया आपने क्या कहा है, मैं बिल्कुल भी कोई उससे ऐसी बात नहीं करूंगा। अरे यार इन्होंने जो ना रोफिरो को लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, मुझे फटाफट से लाइफ हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अरे यार विलन इन्होंने जो है ना रोफिरो को लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, उसकी हालत यार बहुत ज्यादा गंभीर है। मेरे को तो यार बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, आखिर रोफिरो कैसा होगा यार? मैंने उसको अभी तक नहीं देखा यार, उसको देखे हुए काफी टाइम हो गया। गाइस यार एक काम करता हूँ, मैं जो ना आपसे सीधा हॉस्पिटल में जाके ही मिलता हूँ। अरे यार रुद्रो मेरे दोस्त, यार कैसा है तू? तेरी तबीयत ठीक तो है ना यार? अरे हाँ टिप्सन यार वैसे तो ठीक है यार, लेकिन मेरे सर में ना यार बहुत ज्यादा दर्द है। टिप्सन यार मेरा सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल फटने के लिए तैयार हो यार, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है टिप्सन। अरे यार रोफिरो बस तू जो है ना टेंशन मत लेना यार, तेरे सर का जो दर्द है वो तो खत्म हो ही जाएगा, डॉक्टर साहब इधर ही खड़े हैं। बस यार रोफिरो तू जो है ना टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, सब ठीक हो जाएगा यार रोफिरो, टिप्सन तेरे साथ खड़ा है और डॉक्टर की पूरी टीम भी यार तेरे साथ है। खैर यार मैं क्या ही बताऊं कि मैं कितना ज्यादा दुखी हूं यार, आज से पहले मैंने इतना दुखी वाला दिन कभी नहीं देखा यार, मैं रोफिरो को ऐसी हालत में देख रहा हूँ। अरे टिप्सन यार तू रो रहा है क्या यार टिप्सन? नहीं नहीं यार रोफिरो मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही खड़ा हूँ, तुझे यार वैसे लग रहा होगा, मैं नहीं रो रहा यार रोफिरो, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। हाँ यार टिप्सन रोना बिल्कुल मत यार। अरे यार टिप्सन एक बात बोलनी थी यार तेरे से, वो क्या है ना यार आज यार मेरे व्यूअर्स के शॉर्ट आउट भी रह गए हैं, तो टिप्सन यार एक काम करना आज ना यार तू ही मेरे व्यूअर्स के शॉर्ट आउट दे देना। अरे रोफिरो बस इतनी सी बात यार, व्यूअर्स के शॉर्ट आउट ही तो देना है, वो तो मैं अभी दे देता हूँ यार तेरे सामने ही, मैं तेरे व्यूअर्स के शॉर्ट आउट दे देता हूँ। सो गाइज यार ये रहे आज के आपके शाउट आउट। तो गाइज आज का फर्स्ट शाउट आउट जाता है आदर्श 99 गेमर को जो कि इंडिया से वीडियो को देखते हैं, एंड सेकंड शाउट आउट जाता है दाऊद को, एंड थर्ड शाउट आउट जाता है युवान को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड फोर्थ शाउट आउट जाता है आरुष कुमार को, एंड फिफ्थ शाउट आउट जाता है आयुष को जो कि पुणे से वीडियो को देखते हैं, एंड सिक्स शाउट आउट जाता है अदील को, एंड सेवेंथ शाउट आउट जाता है जोया को, एंड एट्थ शाउट आउट जाता है नवीन को, एंड नाइन्थ शाउट आउट जाता है एनुअल को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं,
एंड 10th शाउट आउट जाता है विराट को, एंड 11th शाउट आउट जाता है आभास शुक्ला को, एंड 12th शाउट आउट जाता है आयु वर्मा को जो कि लखनऊ से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है आदि को जो कि सावित्री नगर से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है सौर्यदीप भट्टाचार्य को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है रजा को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अरमान को जो कि ओडिशा से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है राहुल को जो कि दिल्ली से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अंश राठौर को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अली को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है जैनुल आबदीन को जो कि पाकिस्तान में लाहौर से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अभिजीत वर्मा को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है निशु को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है रुद्रांश को जो कि देहरादून से वीडियो को देखते हैं, एंड आज का लास्ट शाउट आउट जाता है कियान सोहम को, एंड अगर आपको भी अपना शाउट आउट चाहिए तो फटाफट से वीडियो पे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी शाउट आउट मिल जाएगा। एंड गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ गाइज यार आप जो है ना जरूर से दुआ करना कि रो फिर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए गाइज, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड गाइज यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।